हर लव स्टोरी का असली विलन तो ये दिल है। पहले तो बिना पूछे किसी पे आ जाता है और फिर बिना पूछे टूट जाता है। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड की मच अवेटेड रिवेंज ड्रामा फिल्म एक विलन रिटर्न्स के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपडेट होकर आ चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। इन दो दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और हिट सुपरहिट स्टेटस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी जॉन और दिशा की इस फिल्म को देख चुके हैं, अर्जुन और तारा ने आपको इंप्रेस किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनने वाली यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको इन चारों ही स्टार्स के अलावा और भी बेहतरीन स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। मोहित सूरी दोस्तों सस्पेंस थ्रिलर बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर से इस फिल्म में आपको कई बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिलिंग सीन दिखाए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली एक विलन रिटर्न्स 2014 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म एक विलन का सिक्वल है और यही वजह है दोस्तों कि एक विलन रिटर्न्स के लिए ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट थी वो काफी ज्यादा थी। एक विलन की ही तरह दोस्तों इस फिल्म में गाने डाले गए थे। ऑडियंस को दोस्तों गाने तो ठीक ठाक लगे, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को काफी पसंद आया था और इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल 3000 स्क्रीन पर रिलीज होकर अपने पहले दिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग ली है, जो कि एक तरह से दोस्तों इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड ओपनिंग है। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। क्रिटिक्स ने भी दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं, लेकिन दोस्तों जॉन, अर्जुन, दिशा और तारा चारों के ही कैरेक्टर्स को पसंद किया जा रहा है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो काफी अच्छी कमाई कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के टोटल की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई नेट बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से और लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर से पार किया है। अपने दूसरे दिन यानी कि आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों कल की ही तरह आज भी इस फिल्म की लगभग 12 से 15% की है। वहीं दोस्तों आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट की जो एडवांस ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 20 से 25% की है। यानी कि दोस्तों आज भी इस फिल्म को ऑन स्पॉट बुकिंग अगर अच्छी मिलती है तो ये फिल्म आज लगभग 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी होगी। ऐसे में इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन के मुकाबले में तो राधेश्याम जैसी बड़ी साउथ की फिल्म, अंतिम, रनवे 34, जयेश भाई जोरदार और जर्सी जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अब अपने दूसरे दिन भी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड करने में कामयाब हो रही है और विक्रांत रोना से मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद भी अगर हिंदी में यह फिल्म 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लेती है तो एक हिट फिल्म साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विक्रांत रोना के बावजूद भी एक विलन रिटर्न्स का जो लाइफ टाइम है वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।